ये आज का अखबार, आज का अखबार पढ़ा किसी ने? मैडम सर, मेरे क्वार्टर में अखबार नहीं आता है। ठीक है, तो तुम ही पढ़ो फिर। थैंक यू। अभी पढ़िए। बुड्ढे मुर्गे का चिकन खाने वाले 5 नौजवानों को गैस, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। कृषि मंत्री ने कहा रवि की फसल खराब। रवि का कहना है कि उसकी कोई फसल ही नहीं है, उसकी तो मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। संतोष शर्मा, पूरा अखबार नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर की लाइन जिसमें हमारा नाम लिखा है वो पढ़ना है। आपका नाम? मैडम सर पढ़िए। किधर है चुलबुली? चुलबुली ले उड़ी हसीना। जोर से। चुलबुली ले उड़ी हसीना, पत्नी को आया पसीना। लखनऊ SHO की आशिकी के रंग, टॉक टॉक बनाया आशिक के संग। मैडम सर आप, चड्डा सनी चड्डा कोई काम है सके? ये ऐसी गिरी हुई और घटिया लाइनें वो इस्तेमाल कर सके? लीचड़ किस्म को आदमी है। जी हाँ, सनी ने ही छापा ये आर्टिकल और सनी ने ही लिखा भी है, और सनी के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन उसे मिली है विश्वस्त सूत्रों से। तो अब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा विश्वस्त सूत्र है वो जिसने ये वाहियात झूठी खबर सनी तक पहुंचाई। आप लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। मुझे तो मैडम सर बस लगा था। लगा आपको? देखिए आप लोग जानते हैं कि वैसे ही हम पर अम्मी की तरफ से कितना प्रेशर है शादी को लेकर। एक तो वैसे ही ढंग के लड़के मिलते नहीं, और ये खबर अगर उन्होंने पढ़ ली तो न जाने कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे हमें। आप लोग प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। और संतोष जी आप ये पुष्पा जी की तरह ना लगना लगाना बंद कीजिए अब। मैडम सर हमने प्लीज। तुम चलो बाहर। सॉरी पुष्पा जी, सॉरी 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 पुष्पा जी। सॉरी क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती है। अरे क्या जरूरत थी ऐसा सोचने की कि मैडम सर और चुलबुली के बीच में? अरे हम तो कहते हैं इसे का जरूरत थी सोचने की, और अगर सोच भी लिया तो किसी को पता कैसे चला ये? और संतोष जी सोचना ही है तो हमारे बारे में सोचो ना। तुम ना कसम से बहुत बड़े वाले टोपा, ये अपनी आशिकी ना हर बात में घुसेड़ना बंद करो तुम, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब मजनू की तरह फटेयाल इस पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई दोगे तुम। संतु ये फोन लो और अभी के अभी सनी को फोन करो और उसको बोलो इससे उल्टी खबर छापे और माफी मांगे, वरना उसको उठा के जेल में पटक देंगे या फिर तुम्हारी सैलरी रुकवा देंगे। बोलो। अब नहीं नहीं नहीं, नहीं पुष्पा जी प्लीज, करिश्मा मैडम प्लीज समझाइए ना पुष्पा जी को, घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आती है और मेस में बहुत उधार हो गया है, प्लीज समझाइए ना। अरे तो हम काहे के लिए हैं, हम चुकाएंगे ना आपकी उधारी। तुम फिर बोले, सारा कसूर ही मैडम सर का है। काजरत थी वो टॉक टॉक वीडियो बनाने की वो चुलबुली के साथ, और बना भी ली तो सनिया को दिखाने का काजरत था। मैडम जी बस आप मुझे परमिशन दो, बस सनिया को तो ऐसे जमीन पे लिटा के बाकी तोंद पे ऐसे 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 गच गचा के रिपोर्टर की डर टर नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। ना रहने दे चीते, लोग हमेशा खुद की गलती छुपाने के लिए दूसरों के कसूर ढूंढते हैं। गलती चीते की थी पुष्पा जी, पर हम तो पूरी रात जग रहे थे मन में, तेरी गलती की वजह से ना आप सब मुझे सुना रहे। तो मेरे लिए थोड़ा सा सुन ना सको का? चुका रहा हूं ना आपको उधर। एक घुसंड मारेंगे ना, नाक चबूतरा हो जाएगी तुम्हारी। आइए मैडम आइए, आज तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। चलो चलो चलो। नहीं जी छोड़ना ही नहीं है, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, छोड़ेंगे नहीं किसी को, हिला के रख देंगे। हाँ हिला के रख देंगे सबको। हुआ क्या है? क्या हुआ है? हुआ क्या है? होगा तो अब मैडम आप पर केस होगा, आपके थाने पर केस होगा, आपके डिपार्टमेंट पर केस होगा, पुलिस प्रशासन पर केस होगा, इस सरकार पर केस होगा, आप सब पर केस होगा, छोड़ेंगे नहीं किसी को, किसी चक्कर में मत रहना आप। हाँ आपको वापस बुलाया हमने? नहीं वो
करिश्मा मैडम ने कहा चलो। जी अब आप शांति से हमें बताइए कि मसला क्या है। आपने जो घपला किया है ना वही मसला है मैडम। क्या हम बोले थे बाद में क्या अभी किसी और के भाई पर कब्जा करने अभी। एक शादीशुदा औरत का घर तोड़ने और अपने पोजीशन का नाजायज फायदा उठाने के इल्जाम की सारी धाराएं लगती है आप पर। हाँ ठीक है आपकी मैडम से ऐप पर बात करते हैं, उन्हें कहिए कि ऑनलाइन आ जाएं। ऑनलाइन क्या भाड़ में? अरे 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 क्या यहाँ मेरी जिंदगी ऑफलाइन हो गई है और आपको ऑनलाइन की पड़ी हुई है। फेस टू फेस बात कीजिए, शक्ल से तो आप बड़ी समझदार लगती हैं। इतनी घटिया चॉइस है आपकी चुलबुली, और आपको शर्म नहीं आती है एक शादीशुदा औरत की जिंदगी बर्बाद करते हुए? दिस इज वेरी बैड। No means no. Shut up. एक बात बताइए, आप तो खुद अपने पति को छोड़ने वाली थी, छोड़ा तो नहीं ना? अरे आप तो प्लॉट खाली होने से पहले कब्जा करने लगी। चुलबुली बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। वीडियो में अगर मैं ना रहूं ना तो उसे कोई गधा भी ना देखे। जो कान लगाकर सुन रहे हैं वो अंदर आ जाए। Oh my God, hearing? और आप मिस पम्मी, हमें लगता है कि यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है। हमें नहीं लगता कि चुलबुली जी आपकी वजह से फेमस हुए, हमें लगता है कि आप चुलबुली जी की वजह से फेमस हुई। लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, उनके रिएक्शंस पर हंसते हैं। इसलिए सच तो यह है कि वो हो ना हो, आप उनके बिना कुछ भी नहीं। और इस बात का सबूत है हमारा और चुलबुली जी चुलबुली भाई साहब के साथ बनाया हुआ ये वीडियो। So, now is the time for some fun time. और आज का वीडियो है सिर्फ आपके लिए। आप आए हमारे टॉक टॉक वीडियो में और बाहर आई। इस वीडियो को सिर्फ कुछ ही घंटों में 32 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। इससे तो यही साबित होता है ना कि लोग उनको पसंद करते हैं और आपको नहीं। ये आपकी गलत फहमी है, सारी दुनिया पम्मी की फैन है। अच्छा प्रूफ कीजिए। करिश्मा सिंह जी, करिश्मा सिंह के साथ बनाएंगी आप एक वीडियो और फिर हम ये टैली करेंगे कि किसके वीडियोस को ज्यादा लाइक्स मिले हैं, हमारे और चुलबुली भाई साहब के या आपके और करिश्मा सिंह के। उससे तो साफ साफ पता चल जाएगा ना कि कौन सही और कौन गलत, किसके वीडियो को ज्यादा लाइक्स मिले हैं। अगर आपके वीडियो को ज्यादा लाइक्स मिले तो आप स्टार और चुलबुली बेकार। बोलिए है मंजूर? या बिल्कुल मंजूर है। आपके सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह जी के साथ में बनाएंगी हमारी सुपरस्टार पम्मी जी वीडियो और ये साबित कर देगी कि आपकी करिश्मा जी को कोई लाइक नहीं करता है ना। उनको लाइक शेयर और कमेंट्स की भरभराहट मिलेगी। इससे साबित हो जाएगा कि हमारी पम्मी जी किसी चुलबुली बुलबुली की मोहताज नहीं, अपने आप में ब्रांड है ब्रांड। ठीक है फिर, ठीक एक घंटे में मिलेंगे। चलिए मैडम। मैडम सर आप हमें क्यों इस पछड़े में डाल रही हैं? और नहीं तो क्या, अगर इनके वीडियो को लाइक नहीं मिला तो पता चल जाएगा कि सच में इनको कोई लाइक नहीं करता। हमारा मतलब है कि हमें ये जो शोशाबाजी है, ये सोशल बकैती, ये हमको समझ में नहीं आती है। समझ गए। तजुर्बा कहता है हमारा कि पत्ते छाटने से बेल हल्की नहीं होती, जंगली बेल को काटना हो तो उसकी जड़ों को काटना पड़ता है और हम वही कर रहे हैं। अगर बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, वरना रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे, ऑर्डर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा।
जी मैडम सर। एक्शन। आंटी आपका नाम क्या है? करिश्मा। अगर मधुबाला भी होता तो क्या उखाड़ लेती? नालायक, आंटी का मजाक उड़ाती है। ओके कट। ओके क्या ओके? ये भी कोई थप्पड़ था? ये थप्पड़ मारा आपने कि पम्मी जी के बाल से वो जुए नहीं, वो क्या डैंड्रफ, डैंड्रफ हटाया। थप्पड़ चाहिए करिश्मा जी, थप्पड़। यू कैन डू इट मैम, यू कैन डू इट, आई नो यू नो। हाँ वो करेंगे, आप जा, आप जा। यस यस थप्पड़, हाँ इस बार थप्पड़ रीटेक। हाँ ओके ओके, हाँ एक्शन। अगर आप मधुबाला भी होती तो क्या उखाड़ लेती? नलायक आंटी का मजाक उड़ाती है। यस ओके क्या ओके? क्या है ये, क्या है ये? बोल रहे ना, जाओ उधर, जाओ वहां। अच्छा यू कैन डू इट। थप्पड़ चाहिए करिश्मा जी, थप्पड़। थप्पड़ ही तो मारे पुष्पा जी, सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए और आप बोल रही क्या है ये, थप्पड़ मारा ना। डायरेक्टर कौन है आप? तो फिर हम कह रहे ना, मजा नहीं आया, मतलब नहीं आया। अब कट के लगाइए थप्पड़, रिटेक। यू कैन डू इट मैम, आई नो। चलो एक्शन। यस ओके सुपर। क्या ओके सुपर? ये कोई थप्पड़ था? क्या था? इसको थप्पड़ कहते हैं आप? यही थप्पड़ खा के लोग कहते हैं क्या? दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुम सा नहीं देखा। You can do it ma'am, you can do it, I know you know। क्या you can do it कर रहे हैं? अरे मैम आप टेंशन मत लो, चिल डाउन, आप बहुत अच्छा कर रही हो और ये सही से नहीं कर रही ना, लगाओ ना घुमा के। चलो रेडी एक्शन। ये अच्छा है, ये अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके वेरी गुड मैडम, यू फाइनली डिड इट। यही तो थप्पड़ चाहिए था। संतु ये वीडियो जल्दी से पम्मी जी के अकाउंट पे अपलोड कर दो, देखते हैं करिश्मा जी को कितने लाइक्स मिलते हैं। मैडम सर मुझे आपसे काम है। अरे क्या हुआ बिल्लू? एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? मैडम सर आपकी मंडली चाय पे घमासान फालतू चर्चा कर रही है, यही मौका है कि मैं अपनी मन की बात यहाँ आपके सामने रख सकूं। क्या हुआ फिर, इससे क्यों आए हो? मुझे आना ही था। अरे एक आदमी अपने घर से कब तक दूर रह सकता है? ये मेरा लॉकअप, ये मेरा घर, ये मेरा आशियाना मुझे बार बार बुला रहा है। सोनू निगम रूप कुमार राठौड़ की आवाज में गा गा कर मुझे बुला रहा है। हमें सलाखो, मैं लौट आया सलाखो, मैं लौट आया। कितनी बार कहें कि बिना किसी चार्जशीट के हम आपको ऐसे ही लॉकअप में नहीं रख सकते। हाँ वो भी सही है, मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है कि ये इस बंदी गृह की जगह ना मेरा नाम होना चाहिए, बिल्डिंग निवास, बस ये देखना है मुझे, उतना आप कर दीजिए बस। बहुत अच्छा सपना है बिल्लू, मेहनत करो एक दिन जरूर पूरा होगा। होगा मैडम सर, ये आपको ही पूरा करना है और अभी के अभी। आप मुझे बाइज्जत अंदर डालो, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो कल रात जो मैंने देखा वो फ्लैशबैक सारी दुनिया जान जाएगी। मैडम सर चुलबुली पांडे के साथ इतने रात गए? मैं सबको बता दूंगा कि आपने ही चुलबुली पांडे को गायब कर दिया है। अच्छा तो मुझे ब्लैकमेल करोगे बिल्लू? अरे एक शरीफ बेघर आदमी अपना घर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और मुझसे ज्यादा कौन नहीं चाहेगा कि मुझ पे सारे जुर्म साबित हो। दो चार साल की लगती रहे, मेरा घर आबाद रहे। क्या
आप मेरी मांग पूरी करेंगे या जाऊ सनी चड्डा के पास? हाँ मैडम सर, आपका प्लान अच्छे के लिए ही होता है। ये चुलबुल वाली बात आप अपना प्लान सक्सेस होने के बाद बताओगे, लेकिन मैंने ये चुलबुल वाली बात आपका प्लान सक्सेस होने से पहले ही बता दिया तो आपका प्लान ठुस हो जाएगा। तो मुझे आप अंदर डालो। मैडम सर, तजुर्बा कहता है हमारा, बिल्ली आंख बंद करके दूध पिए तो उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा है। कंबल में बीबी जाओ। थैंक यू, कंबल में दाम दो। नहीं नहीं मैं करता हूँ, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। मेरा बिल्लू निवास। चबूतरे, तेरा ट्रांसफर एकदम पक्का, अब इसके जगह आएगा सोफा कम बेड। सूजा बिल्लू सूजा। अरे ये वही मंदबुद्धि औरत है जो हर वीडियो में पिटते रहती है, देखो। अरे वही देखो। मम्मा मुझे आंटी का रोना देखना है। नो बेटा नो। नहीं मामा, मुझे आंटी का रोना देखना है, देखना है, देखना है। नो नो आंटी। अरे मैडम, मेक श्योर कि आप ये फाइल दो बार क्रॉस चेक करें। हसीना जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैम आप ये क्या चुप कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया कि मेरी इस मजाक से मेरे पति पर क्या गुजरी होगी। कैसा लगता होगा उनको जब पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाती होगी। कितनी तकलीफ हुई होगी उनको, तभी तो उन्होंने खुद को इस पिंजरे में बंद कर लिया। मुझे एहसास हो गया मैडम। अरे मैम आप ज्यादा मत सोचिए, हम है ना, हम कर देंगे ना, बता रहे हैं ना आपको। तुम चुप रहो। या नीचे थे टंकी, ऊपर थे मटका जैसे आदमी को तो मैं कूट डालूंगा। मैडम मैं सब समझ चुकी हूँ। मैं इस नकली दुनिया के चक्कर में अपना असली परिवार खो रही थी, लेकिन ये सब तो छलावा है। असली रिश्ते तो वो होते जो खास होते, अपने पास होते। अपने परिवार की कदर ना कर कर हम उनको सब कुछ अपना मान लेते हैं, जिनको सिर्फ अपने सोशल मीडिया और स्टेटस की पड़ी होती है। अरे मैम आप क्यों ज्यादा सोच रही हैं, हम बोल रहे हैं हम सब ठीक कर देंगे। शट अप। मिस पम्मी पांडे, हमें खुशी है कि आपको इस बात का एहसास हुआ। तजुर्बा कहता है हमारा कि हमेशा हमें ही रिश्तों की जरूरत नहीं होती, कभी कभार रिश्तों को हमारी जरूरत भी होती है। और रिश्तों में सम्मान होना बहुत जरूरी है, अगर वो ना हो तो फिर क्या मतलब है? हाँ पम्मी जी, आप भी ना अपने पति का सम्मान कीजिए, उनकी भी अपनी एक अलग पहचान है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जहां तक सवाल है टॉक टॉक या फिर सोशल मीडिया का, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चों में, खासतौर पर टीनेजर्स में, नशे की तरह जो इसकी लत लग चुकी है वो गलत है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर एक डिजिटल रियलिटी में जी रहे हैं और वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं, ये बात गलत है और ये उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। और ये काम आप जैसे एक इन्फ्लुएंसर ही कर सकती है। आप अगर वीडियो बनाकर डालेंगे तो लोग सुनेंगे भी और मानेंगे भी। मिस्टर कमलेश पांडे, मुझे माफ कर दीजिए,
अब हम दोनों के बीच में ये फोन कभी नहीं आएगा। अरे मैम आप क्या कर रही हो यार, नो मीन्स नो, ये मत करो, हम सब ठीक कर देंगे ना। तुम चुप रहो वरना इसी पुलिस स्टेशन में मैं तुम्हें मारूंगा आज। देखा मैडम देखा, हमारा इंसल्ट, डायरेक्ट हमारा इंसल्ट कर रहा है ये आदमी। थाने में हाथ नहीं उठा सकते। देखा, she's right. डायरेक्ट इंसल्ट किया है हमारा। बच्चे की तरह रो रहा है। मैडम सर, मैं और मेरी बीवी आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सब लोगों की वजह से मुझे मेरी पहचान, मेरी लाइफ और मेरी वाइफ वापस मिल गई। इन महिला अफसरों के जज्बात के लिए एक आम आदमी का सलाम तो बनता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.